पेटीएम बैंक तो गियो। आरबीआई ने ऐसा फरमान सुनाया है जिसमें से पेटीएम का निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सभी दुकानदार मर्चेंट बैंकर को कह दिया, भैया पेटीएम के जो साउंड बॉक्स हैं, क्यूआर कोड है, इनको हटा लो, न जाने आगे क्या हो। पेटीएम बैंक की किस्मत शुरू से खराब रही है। जब से लाइसेंस मिला है दो बार बैन हो चुकी है, दो बार पेनल्टी लग चुकी है और ऐसे ऐसे कारनामे या मैं बोलूं कांड किए हैं कि आप सुनोगे तो यकीन नहीं होगा कि ये कोई बैंक चल रहा है या लाला जी की दुकान चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो अभी शुरुआत है भैया, अभी तो पेटीएम पेमेंट बैंक ही गया है, अभी धीरे धीरे वॉलेट भी चला जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था ऐसे लोगों के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं बुरा हुआ साहब, ऐसे थोड़ी इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, अरे थोड़ा तो मौका देते, स्टार्टअप के खिलाफ इमेज बन जाती है, फिनटेक के खिलाफ सरकार क्या कर रही है। तो दो तरह के पक्ष हैं, जैसे कौन सही है कौन गलत है अभी वीडियो में पता लगा। तो आज इस वीडियो में देखेंगे आखिर पेटीएम ने क्या क्या गलती की, कब कब बैन हुआ, क्यों बैन हुआ, कितनी पेनल्टी लगी और भाई साहब आखिर ये इतना बैन होने के बावजूद भी कंटिन्यू चलता क्यों रहता, आखिर ये फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में फ्रॉड होते क्यों है। और ये जो पेटीएम में इन्वेस्ट करके लोग बैठे हैं जो पल पल पूछ रहे हैं अरे भैया इसमें पैसा रहने दें, बाहर निकलें और घुसे करे क्या, इनको क्या सजेशन है, वो भी वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा आप पेटीएम वॉलेट के यूज़र हैं या पेटीएम का आपके पास साउंड बॉक्स है, क्यूआर कोड लगा हुआ है, ये जो फास्टैग में बैलेंस पड़ा है इसका क्या होगा, ये सभी चीज़ बताएगा तुम्हारा राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। कहते हैं तुम छोटा मोटा गलत सलत कुछ भी करते रहो, सरकार एक बार तो ध्यान नहीं देती, पर जब सरकार ध्यान देती है तो पिछले कई सालों का खाया पिया निकाल लेती है। और कुछ ऐसा ही हुआ 31 जनवरी को। आरबीआई ने ऑर्डर जारी किया कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है 29 फरवरी के बाद इसमें भैया किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे। इस पेटीएम बैंक के अंदर आप और ज्यादा पैसे ऐड नहीं कर पाओगे, पुराने पैसे हैं वो तो आप निकाल सकते हो लेकिन 29 के बाद बाकी कोई पेमेंट्स वगैरह और ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी, फास्टैग वगैरह सब नहीं चलेंगे। ये जो एक्शन हुआ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे हुआ है, पेटीएम वॉलेट पे नहीं हुआ, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये वीडियो में आगे आपको समझाऊंगा। पेटीएम एक मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने ऐप डाउनलोड किया और उसके वॉलेट से अपने पर्सनल अकाउंट को लिंक किया और उसकी मदद से आप उसमें पैसा ऐड कर सकते हो और दुनिया भर के पेमेंट कर सकते हो। तो ये मोबाइल सिस्टम तो चल ही रहा था, इन्होंने अप्लाई किया कि भाई साहब मुझे चाहिए पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस। 2015 में इनको लाइसेंस मिल गया, 2017 में इन्होंने ऑपरेशंस चालू किए, काम चालू किए एक साल हुआ था। 2018 में आरबीआई ने बैन कर दिया कि भैया नए यूजर ऑनबोर्ड नहीं करोगे। बोले भाई साहब क्या बात हो गई इतनी जल्दी। उनका भाई साहब तुम्हारे एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। बोले तुमको जो लाइसेंस की शर्तें थी उसका उल्लंघन कर रहे हो, तुम्हें जो डे एंड बैलेंस रखना चाहिए था वो मेंटेन नहीं कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है, केवाईसी के नॉर्म्स में कई गड़बड़ियां हैं, इसलिए हमने तुमको बैन किया है साहब। लेकिन फिर वही है ना कि शुरुआत थी, पेटीएम ने बात की आरबीआई से, अरे सर नई नई कंपनी है, हो जाता है, अभी प्रयास कर रहे हैं हम, ये सुधारेंगे वो सुधारेंगे, अब टेंशन मत लो, ये भी ठीक कर देंगे वो भी ठीक कर देंगे, सारी बात करके पत्र आगे पीछे होके 2018 में बैन हटा लिया। और इस दौरान एक बड़ी चीज हुई और सारे फसाद की जड़ यही है। लोगों ने क्या बताया क्या नहीं बताया, इस टॉपिक पे आपने कितनी वीडियो देखी साइड में रखो, इस घटना से पता चलेगा कि जो कांड हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, एक गलती पेटीएम को ले बैठी है। अब अगर पेटीएम बैंक है भैया खाते भी खोलने पड़ेंगे और खाते खोलने के इनके एग्जीक्यूटिव जा रहे हैं, सबसे पहले किसके पास जाएंगे बताओ, उसी के पास जाएंगे जिसके पास ऑलरेडी पेटीएम डाउनलोडेड है, कि ये तो वॉलेट का कस्टमर है ही, इसको बैंक का भी बना लेते हैं। लेकिन जिसके पास वॉलेट है उसके पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट है, तभी तो वॉलेट काम में ले पा रहा है। अब आपके पास ऑलरेडी किसी बैंक में SBI में ICICI में बैंक अकाउंट है, अब आपको आके मैं कन्विंस करूँ कि सर एक अकाउंट और खुला लो। बोले कौन सा बैंक में? बोले पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। पेमेंट बैंक क्या होता है? बोले सर नॉर्मल बैंक से थोड़ा अलग होता है। बोले इसमें क्या होता है? अब इतना समझाने का टाइम किसके पास पहली बात, और इतना समझाओ आदमी समझता नहीं, कहता एक अकाउंट है बहुत है काम चल रहा है नया क्यों खुलवाऊं। तो इन्होंने फिर एक ट्रिक करी, कहता ना सीधा न काला न धौला, बीच में आता ग्रे एरिया, वहां पे चले। इन्होंने कहा कि अरे सुनो, आरबीआई ने उस समय डंडा कर रखा था कि जितने भी भैया वॉलेट वगैरह हैं सब हवा में खुले हुए हैं, इनकी KYC कराओ। और पेटीएम ने कहा भाई आरबीआई कह रही है KYC कराओ, तो जो KYC नहीं कराएगा उसका वॉलेट बंद कर देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पेटीएम पे थे और वॉलेट बिना काम नहीं चलता, तो उन्होंने कहा चलो KYC तो करवा लेते हैं। इन्होंने क्या किया, जो KYC का फॉर्म है हमारे एडिटर साहब अभी स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको, इस फॉर्म के अंदर ही लिख दिया कि भैया तुमको जब KYC करानी है तो आपको अपने वॉलेट की KYC करानी है, आप किसी दुकान पे गए जहाँ पे उसका एजेंट बैठा है, ये एजेंट आपके घर पे आया KYC करने, वो आपको कहता है इस फॉर्म पे साइन कर दो, आधार वादा दे दो, OTP आएगा। उस अकाउंट में क्या लिखा हुआ है कि हाँ मैं KYC तो वेरीफाई करा ही रही हूँ, साथ में मैं पेटीएम पेमेंट बैंक का खाता भी खोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ।
तो इससे क्या हो गया भाई साहब, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं केवाईसी वेरीफाई करा रहा हूँ, पर आपकी केवाईसी वेरीफाई होते होते आपका खाता भी खुल रहा है बिना आपकी इच्छा के, बिना आपको पता चले। वो तो बाद में आपके पास मैसेज आएगा, धन्यवाद आपका पेमेंट अकाउंट पे खाता खुल गया। आप बोले साला मैंने कब खुलाया, ऊपर बताएगा ये ले बताया था आपने। तो बेसिकली उनकी मर्जी के बिना खाते खुल रहे थे, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, उसमें भी फ्रॉड तो नहीं हुआ, खाता ही खुला है, फ्रॉड तो नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे ऐसे किससे सुनने को आया कि कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी चला गया सर हमारे एडिटर साहब जैसा, उसने कहा कि भैया आपका केवाईसी वेरीफाई होगा, ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी दे दिया, अब वो बैंक अकाउंट का दूसरा ओटीपी मांग रहा है, आप कह रहे दूसरा ओटीपी क्यों दूँ, एक ही ओटीपी दे दिया, हो गया काम। फिर वो समझाता है, फिर वो किसी ने वैसे कोई फॉर्म भरता नहीं है, पर मान लो पढ़ लिया किसी ने फॉर्म, अरे मेरा खाता खोल रहे हो, नहीं मेरा खाता नहीं खोलना, सिर्फ केवाईसी करानी है, तो उस केस में उस एजेंट ने कहा खाता नहीं खुलवाएगा, केवाईसी भी वेरीफाई नहीं करते जा। तो ऐसे भी कई किस्से सुनने में आए, वैसे बहुत लोगों ने इतना दिमाग नहीं लगाया, मोस्ट ऑफ द खाते खुल गए। अब इसमें एक और चीज़ क्या थी, खाते खुल रहे थे, ग्रे एरिया में खुल रहे थे, लेकिन ये स्पीड भी पेटीएम को समझ नहीं आ रही थी। पेटीएम ने कहा यार स्पीड और बढ़ानी है, ऐसे खाते से काम नहीं चलेगा, और चाहिए और चाहिए। स्टार्टअप हमेशा जल्दी में रहता है क्योंकि उसने ले रखा आगे से फंड, और हर तीसरे महीने रिजल्ट दो नहीं तो वैसे आगे से फंड मिलेगा नहीं, तो वैसा हर वैसे जल्दी में रहते हैं। तो अब क्या हुआ, उन्होंने कहा एजेंट को कहा अभी तक तो तुमको पार्ट ऑफ द जॉब था, अब 50 रुपये देंगे पर अकाउंट खोलने पे। अब भाई साहब भारत में अगर तुम किसी ऐसा इंसेंटिव दे दो कि 50 रुपये अकाउंट खोलने पे मिलेगा, अब आदमी सोचा दिन में 20 अकाउंट खोल लिए तो 1000 रुपये हो गए, महीने भर के 30,000 हो गए, ये बड़ा मजा भाई। अब दुनिया जब खोलने पे आई, अब पहले तो चलो फिर भी काम था तो केवाईसी चेक कर रहे थे, आधार ढंग का होना चाहिए, ये फोटो मैच नहीं कर रही, नाम मैच नहीं कर रहा, तो 50 रुपये मिल रहे ना भैया, तो सब मैच कर रहा है। अब तो एक एक आदमी के पेन, अब भाई पेन नंबर दो, पेन नहीं है कोई नहीं मेरे पेन लगा देता हूँ, एक एक पेन पे 100-100 खाते, एक एक पेन पे 1,000 खाते खोल दिए। पहली बात यहाँ पे एक लेवल पे बात खराब हुई, दूसरा लेवल और आ गया साहब, ये 50 रुपये वाला आदमी बहुत इंटेलिजेंट था, इसने कहा यार मैं अकेला 50 रुपये कमा रहा हूँ, दिन में 30,000 कमा रहा हूँ, इसने ऐड दिया। इन्होंने कहा कि देखो जी नए बंदे अपॉइंट करने हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, 4 लड़के अपॉइंट करके बोलते हैं सुन रोज खाते खोल गया, मैं दूंगा 50 रुपये मिलेंगे मुझे, 30 रुपये तेरे, 20 रुपये मेरे। अब लाड साहब घर पे बैठे हैं कि भैया 10 आदमी घूम रहे हैं 30 रुपये के लिए, इनके घर बैठे 20 रुपये आ रहे हैं। अब भाई साहब वो 50 रुपये के लिए तो उसने जो किया वो किया, इन्होंने 30 रुपये के लिए ना जाने का क्या किया। अब भैया गड़बड़ तो ये हुई है, ये सारी गलतियां इन्होंने की, टॉप मैनेजमेंट को कुछ पता नहीं था ये भी हो सकता है, टॉप मैनेजमेंट ने जानबूझ के करवाई ये भी हो सकता है, सबूत कुछ नहीं है इस बात का, लेकिन बात यह है कि जब भी गलती होगी तो भैया आप गर्दन तो टॉप मैनेजमेंट की ही पकड़ी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते 30 रुपये वाले ने कर दी, 50 वाले ने कर दी, भैया तुम क्या कर रहे थे। इसी से पहली बिजनेस लर्निंग और लाइफ लर्निंग आती है, जब भी आप किसी भी व्यक्ति को इंसेंटिव देते हो बड़ा सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि इंसेंटिव के लालच में कई बार आदमी सीधी सीधी हरकत भी करता है, कई बार टेढ़ी टेढ़ी भी करता है, उल्टी सीधी भी करता है। और जब आप एक बहुत मास लोगों के बीच में हजारों लाखों लोगों को बाजार में भेज देते हो और इंसेंटिव का लालच देंगे, तो कौन आदमी क्या तरीका निकाल लेगा उस इंसेंटिव कमाने का, ये भाई साहब आपके लिए रिस्की हो सकता है और बाद में आपके पीछे ही बात आएगी। इसी बीच अक्टूबर 21 में RBI ने इन पे लगाई 1 करोड़ की पेनल्टी। किस बात की साहब, RBI को ही गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, बताओ आम आदमी गलत आधार नंबर देने में डर लगता है, गलत पैन नंबर देने में डर लगता है, ये RBI को ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। RBI ने कहा हमसे पंगा, लगाओ 1 करोड़ की पेनल्टी। अच्छा, ये जो बात कहानी आपको मैंने बताई कि ऐसे खाते खुल रहे थे, मार्च 2022 के आसपास सुखबुघाट RBI तक भी पहुंची और RBI ने देखा अरे कस्टमर की कंसेंट ही नहीं ले रहे, ये तो एजेंट अपने हिसाब से खाते खोल रहा है, तो RBI ने दोबारा इनको बैन किया नए कस्टमर बनाने से। और एक बार इनकी जब जांच की थोड़ी ऊपर ऊपर से, तो कुछ चीजें पता पड़ी जिसको देख के RBI भी एक बार घबरा गई। पता चला टेक्नोलॉजी में ही लैप्स है, ठीक है, अगर तुम गलत तरीके से खाते खोल रहे हो तो टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं कि अगर तुमने कोई गलत खाता लगाया, गलत डिटेल दी या एक बंदे का दूसरी बार खोलने लगे तो टेक्नोलॉजी रोक दे, रोक ही नहीं रहे, टेक्नोलॉजी में लैप्स है। साइबर सिक्योरिटी का भी इशू पता चला कि भैया तो साइबर सिक्योरिटी का इशू है, डेटा इस तरह से मैनेज है कि कभी भी अटैक हो सकता है, इनकी इन्फॉर्मेशन में पंगे हो सकते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ लॉ होते हैं वो फॉलो नहीं किए। अच्छा, बैंक का जो डेटा होता है बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि आम आदमी का पैसा है, जनता का पैसा है, तो उसकी तो भाई साहब डेटा से अलग से होना चाहिए ना, सर्वर अलग से, सिक्योरिटी अलग से। यहाँ तो पता चला जो पेटीएम की जो मेन कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, इनका और बैंक का डेटा एक ही जगह पे पड़ा है सर्वर, और एक ही सर्वर आपस में ही काम में ले रहे हैं, मतलब टेक्निकली उसी सर्वर के साथ ये दोनों सर्वर आपस में शेयर हो रहे हैं। तो भाई साहब प्राइवेसी कहाँ गई, सिक्योरिटी कहाँ गई। और इसमें अगर एक एंगल और दिया जाए, पेटीएम में तो भैया बहुत अच्छा चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी है, तो एक चाइनीज कंपनी में उसके साथ सर्वर शेयर हो रहा है, उसमें भारतीय पब्लिक का इतना सारा डेटा है, तो बहुत खतरनाक बात है यार। और इसको अगर हम आम भाषा में समझें, मान लो मैं पेटीएम वॉलेट काम में नहीं लेता,
मैं तो गूगल पे काम में लेता हूँ जी, लेकिन पेमेंट बैंक्स पे मैंने अकाउंट खुला लिया। अब मुझे अगर पेमेंट बैंक्स का अकाउंट होल्डर हूँ, एक्सेस कैसे करूँगा? अरे मेरे को ऐप डाउनलोड करना ही पड़ेगा, वहाँ वॉलेट दिखेगा ही, और मैं ऐप जब ऐप खोलता हूँ तो उसमें कौन सी सर्विस तो बैंक की और कौन सी वॉलेट की समझ और नहीं आती, सब कुछ एक साथ कर रखा है। इसीलिए यूजर्स की पिछले 5 सालों में 600% कंप्लेन बढ़ गई, मतलब 11,000 के आसपास कंप्लेन आती थी 2019 में, अब आने लगी 66,000 कंप्लेंट्स। तो RBI ने कहा नए कस्टमर तो बैन है और एक बाहर का ऑडिटर बुलाओ, इनके भरोसे भाई इनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे, बाहर का ऑडिटर बुलाओ, वो बैठ के हमको रिपोर्ट देगा क्या चल रहा है। और जो बाहर के ऑडिटर ने रिपोर्ट दी, आपके आंख कान और दिमाग खुला का खुला रह जाएगा। RBI के ऑडिटर ने कहा कि भैया जितनी भी चीजें तुमने RBI ने इनको बताई ना, ये कमी वो कमी, और ये बोले हाँ ठीक करेंगे ठीक करेंगे ठीक करेंगे, कुछ ही ठीक नहीं कर रहे। कहते हैं करेंगे करेंगे, करते कुछ नहीं है। जो प्रॉब्लम पहले थी आज भी वहीं बैठी है। KYC में मेजर इररेगुलरिटीज है, जिसकी वजह से कस्टमर का जो KYC है वो रिस्क पे पड़ा हुआ है। सब लाखों अकाउंट ऐसे हैं जिनका KYC ही नहीं है, कुछ डाला ही नहीं बस खाता खोल दिया। कई ऐसे अकाउंट है जहां पे पैन वैलिडेट ही नहीं हो रहा, एक एक पैन पे 100-100 खाते, एक एक पैन पे 1,000 खाते खुले हुए। पेटीएम खुद के अकाउंट का बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि अकाउंट तो इसका पर बेनिफिशियरी कौन है। पेटीएम में जो पेमेंट हो रहा है वो पेमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि गया किसको। इन अकाउंट की लिमिट होती है 2 लाख मैक्सिमम, और उसमें लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पेटीएम के एक्टिव अकाउंट कितने बताए? 4 करोड़। पर खोले कितने बताए? 35 करोड़। 31 करोड़ इनएक्टिव अकाउंट है, ये 20-30 रुपए के चक्कर में खोल लिए इन्होंने। साइबर सिक्योरिटी का एक इवेंट हो गया, उसकी रिपोर्ट लेट सबमिट की। इनके कई अकाउंट और वॉलेट फ्रोजन कर रखे हैं अलग अलग एजेंसीज ने, क्योंकि उन अकाउंट से काफी फ्रॉड हुए, और इतना सब देख के इन्होंने लगाई 5,40,00,000 की पेनल्टी। बहुत सारे ऐसे ओकेजन थे जहां पे जो भी रिपोर्ट प्रमोटर ने सबमिट की RBI को वो गलत पाई गई। ये जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की हमारे CA साहब ने, उससे एक महीना पहले ED ने भी इनके बैंगलोर ऑफिस को रेड किया था, वो चाइनीज ऐप करेक्शन के मामले में। वाकई अभी ED ने कहा हम कोई कार्रवाई वगैरह इंस्टिगेट नहीं किए इनके अगेंस्ट, लेकिन एक बार भैया ED इनके ऑफिस पहुंची हुई है। NHAI ने भी इनको नए फास्टैग इशू करने से बैन कर दिया है, क्योंकि NHAI ने कहा ऑडिट करा लो, इनको ऑडिट ही नहीं करवाएंगे। बड़ी मुश्किल से ऑडिट के लिए माने, और मानने के बाद भी पता चला मेजर प्रॉब्लम्स है, तो NHAI ने कहते भाई तुम रहने दो, फास्टैग कहीं और से करा लेंगे, तुम्हारे बस की ना है। कुल मिला के इन शॉर्ट अगर मैं आपको पेटीएम की प्रॉब्लम बताऊं, बस थोड़ी सी है। कस्टमर के खाते बिना उनकी जानकारी के खोल दिए, लाखों अकाउंट की KYC नहीं की, एक एक बैंक से हजारों अकाउंट लॉग इन कर दिए, बेनिफिशियरी का पता नहीं है, पेमेंट जिसको किया पता नहीं है, अकाउंट की लिमिट का ध्यान नहीं रखते, साइबर सिक्योरिटी टाइट नहीं है, सर्वर एक जगह पे नहीं है, कभी कभी गलत रिपोर्ट देते हैं, 2 बार बैन हुआ है, 2 बार पेनल्टी लगी, बाकी सब ठीक चल रहा है। अब किन किन के साथ क्या क्या होगा वो सुन लो साहब। पहला, सर हम तो वॉलेट यूजर हैं जी, हमने तो कभी पेमेंट बैंक अकाउंट खोला ही नहीं, हमारे पास जो एजेंट आया था उसके भी कब्जे में नहीं आया, हमारे पास कोई अकाउंट नहीं, हमारे साथ क्या होगा? तुम्हारे साथ कुछ होगा ही नहीं, पेटीएम बैंक से तुम्हारा लेना देना नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ होगा नहीं। बस मेरे पास तो पेटीएम बैंक अकाउंट है, मैं क्या करूं? देखो आपके साथ दिक्कत, 29 तारीख के बाद से नया पैसा नहीं जोड़ पाओगे, पुराना पैसा है वो निकाल सकते हो। इस समय इन अकाउंटों में 3,000-4,000 करोड़ रुपए पड़े अलग अलग लोगों के, तो चाहे तो 29 से पहले भी निकाल सकते हैं, 29 के बाद भी निकाल सकते हैं, टेंशन कोई नहीं है, लेकिन नया पैसा नहीं ऐड कर पाएंगे। तो मान लो आपने अगर कोई EMI ले रखी है, आईफोन ले लिया साहब जोश में उस अकाउंट से, और 10,000 की 10 EMI वहीं से जानी है, तो भाई साहब 29 के बाद से, और वहां पे पड़े मान लो अभी EMI बाकी 6,60,000 जाने, और आपके उसमें पड़े पैसे 30,000, तो या तो भाई साहब EMI कहीं और से चेंज करवा लो, और नहीं तो वहां पे एक बार 60,000 कर दो, नहीं तो किस्त हो जाएगी बाउंस। फास्टैग में जितना पैसा है भैया अभी घूमिया 29 फरवरी के पहले खूब खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होता है तो उसके बाद भी खत्म कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, पर रिचार्ज नहीं करा पाओगे तो आपको किसी दूसरी कंपनी से लेना पड़ेगा, तो अभी लेके रख लो। अब एक और चीज इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, देखो भाई साहब टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, देसी भाषा में समझाएंगे। अगर आपके UPI ID में लास्ट में @PayTM लिखा है तो वो नहीं चलेगी 29 फरवरी के बाद। देखो समझो क्या होता है, जितने भी ये पेमेंट वॉलेट कंपनीज हैं, इनको एक नोडल बैंक के साथ टाइप करना पड़ता है जो कि इनको ये पेमेंट की सुविधा देता है। तो जैसे आपके फोन पे ने @YBL कर रखा है क्योंकि उसने यस बैंक को बोला भाई आपसे सुविधा चाहिए, गूगल पे ने @OKICICI होता है कि ICICI कर रखा है, पेटीएम ने कहा कि भैया हमारे पास जब खुद का ही बैंक है तो दूसरों से क्यों करेंगे, तो इन्होंने किसी बैंक से टैप नहीं करके खुद से ही सर्विस ले रखी है @PayTM, पर वो तो हो गई बंद। @PayTM वाली जो ID आपकी 29 फरवरी के बाद नहीं चलेगी। हाँ पेटीएम चाहे तो किसी और से टाइप कर लेगा, मान लो PNB से कर लिया, SBI से कर लिया, और बाद में @SBI PNB करके कुछ चले तो चल जाए, पर ये वाली तो नहीं चलगी। अब आए भाई साहब दुकानदारों को क्या फर्क पड़ेगा, पेटीएम का जो साउंड बॉक्स काम में लेने वाले या QR कोड काम में लेने वाले 37 मिलियन यानी 3,70,00,000 दुकानदार है, उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा वो सुन लो। तो मान लो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक पे ही अकाउंट है, और मोस्टली का पेटीएम पेमेंट बैंक पे ही है, पेटीएम ने खुलवाया वैसे,
तो भैया वो अकाउंट में जितना भी पैसा है 29 के बाद निकाल लो, नया तो जोड़ नहीं पाओगे, तो आपको तो मजबूरी में कोई दूसरा अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। अब कई जने कह रहे हैं कि सर जी मेरे पास क्या, अकाउंट तो मेरा SBI में है, पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं है, अब मैं क्या करूं? फिर भी तुम्हारे को चाहे अकाउंट दोबारा नहीं बदलना पड़ेगा, लेकिन वो जो QR कोड है वो नया छप के अब आएगा, तो QR कोड और साउंड बॉक्स है वो और नहीं चलेगा। 1 मार्च के बाद आपको दूसरा QR कोड या दूसरा करना पड़ेगा। अब चाहे ये पेटीएम खुद करके दे या कोई इनका कॉम्पिटेटर कर ले, या आप कहीं और चले जाओ, लेकिन होगा तभी। अब जो कई लोग कह रहे हैं ना कि सर RBI ने गलत किया, मौका देना चाहिए था, RBI ने तो गला ही घोट दिया, वो इसी पॉइंट पे कह रहे हैं। बताऊं क्यों? क्योंकि देखो, मान लो मेरे पास 3,70,00,000 यूजर है, अब मेरे को चाहता हूं कि ये सारे यूजर मेरे पास ही रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किसी बैंक के पास जाना के नोडल बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। मान लो मैं गया SBI के पास, नोडल अकाउंट खुलने में 2 से 3 महीने लगते, 2 से 3 महीने में तो अकाउंट खुलेगा। फिर वो अकाउंट लेके मैं मेरी पूरी टीम को भेजूंगा 3,70,00,000 दुकानदारों के पास कि भैया तुम्हारा पेटीएम अकाउंट बंद करके इस अकाउंट पे स्विच हो, वो नया QR कोड प्रिंट निकाल के 3,70,00,000 दुकानों पे डालूंगा। अब ये पूरी एक्सरसाइज करने में 2-3 महीने नोडल में, और ये सब करने में टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, और ये कम से कम 6 महीने से साल भर का काम है। RBI ने 31 जनवरी को नोटिफिकेशन निकाल के बोलती है 29 फरवरी तक का टाइम है, इस समय तक भाई साहब नोडल अकाउंट खोलना तो छोड़ दो, और बाई चांस कैसे भी जादू से भी नोडल अकाउंट खुल गया तो भी भाई साहब 29 दिन में कैसे दुकानदार तक पहुंचा जाएगा? तो ये दुकानदार तो मोटा मोटी पेटीएम के हाथ से निकलने तय है। हो सकता है पेटीएम को समझा भी ले, पर आपको पता है इंडिया में आदमी फटाफट से पैनिक में आता है, जरा सा नाम सुना बोले भैया हमें तो नहीं चाहिए, अब तुम कुछ भी समझाओ, हमें तो इस नाम से ही लेनी देनी नहीं रखनी। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि भैया गला घोट दिया, और पेटीएम जी विजय शेखर शर्मा जी इसलिए मिनिस्ट्री के चक्कर लगा रहे हैं कि भैया आपकी बात मान लेंगे, टाइम तो बढ़ा दो, थोड़ा सा बंद कर देना यार, टाइम तो बढ़ा दो, मौका तो दो। पेटीएम अभी इस समय पूरा जोर लगा रखा है कि मैं कैसे ना कैसे प्रॉफिटेबल हो जाऊं, और इन बिजनेस पे फोकस कर रही है जहां से प्रॉफिट आता है, उन चीजों को कम कर रही है जहां पे लॉस होता है। ये वाला जो बिजनेस था ये प्रॉफिटेबल बिजनेस था, इनकी टोटल रेवेन्यू का 28% तो रेवेन्यू देता था, और इनको पिछले क्वार्टर 57 करोड़ का प्रॉफिट और दिया था, तो इस चीज को स्केल करते तो ये शायद प्रॉफिट में आते। अब ये बंद हो गई तो इनके प्रॉफिट में आने की उम्मीद, अगर कह रहे थे 1 साल में आऊंगा, भैया वो 2-3 साल तक गई। इन्होंने अपने मुंह से कहा कि 300-400 करोड़ का EBITDA तो सीधा लॉस होना ही है, पर मैं ऐसा मानना है कि ये तो डायरेक्ट लॉस है। जो सबसे बड़ा लॉस पेटीएम को हुआ है वो है रेपुटेशनल लॉस। बाजार में आम आदमी को लग गया है कंपनी ठीक नहीं, बाकी बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लग रहा है कि यार ये RBI की राडार पे कंपनी चल रही है, इसके साथ हम जुड़ के कुछ करेंगे तो हम पे भी भाई साहब छींटे आ जाएंगे, तो ये भी थोड़ा दूर करना चाह रहे हैं। तो रेपुटेशनल लॉस इज बिगर लॉस। पेटीएम के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पूछ रहे हैं हम क्या करें, आपको IPO से पहले नहीं बता दिया था कि आपको क्या करना है, आपको IPO के बाद देख दो झटकों से समझ नहीं आया था कि आपको क्या करना है, अब अभी भी समझ नहीं आया तो मैं क्या बताऊं आपको। पेटीएम का भविष्य आपको दिख रहा है किस तरह से जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है मैं किसी को यस नो प्लस माइनस नहीं कहता, मैं कोई RBI रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर तो हूँ नहीं जो आपको बताऊँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एज अ बिजनेस कंसल्टेंट तो बता रहा हूँ कि इस कंपनी का फ्यूचर जैसा दिख रहा है मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी तो अपना डिसीजन आप ही लोगे ना, मैं थोड़ी बताऊंगा क्या करना। अब ये सवाल जिस पे कोई डिस्कशन कई लोगों ने नहीं किया कि आखिर ये होता क्यों है, तो आप नोटिस करना कि स्टार्टअप फील्ड में जैसे अभी गो मैकेनिक के साथ भी ऐसा कुछ केस हुआ था, ये खबरें उड़ती उड़ती आपके पास आती रहती है। एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टअप को ग्रो करने की जल्दी होती है, जो भी इन्वेस्ट करता है उसको पता है कि भैया प्रॉफिट तो कमा नहीं रहा है, हमको तो कुल मिला के इसकी 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे लेना है, इसके नंबर दिखाने और 500 करोड़ की वैल्यूएशन पे बेच के जाना है। जो 500 पे घुसता है वो सोचता है नंबर दिखाऊंगा 1500 करोड़ पे बाहर निकल जाऊंगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट का लेना देना नहीं, सबको नंबर से लेना देना है। इसलिए हर क्वार्टर के टारगेट है, हर आदमी चाहता है भाई इस क्वार्टर में ये चीज करो, इतने खाते खोल के दो, इतना मजे ट्रांजेक्शन करके दो, इतनी जगह ये करके दो, इतने यूजर एनरोल करके दो, इतने ऐप डाउनलोड करके दो, तो ये जल्दीबाजी में गलतियां होती। पुराने जो एम्पायर इतने बड़े बिजनेस बिल्ड हुए इन्होंने क्या किया, टाइम लेके काम किया कि ठीक यार ये कोई चीज करनी है ना, पहले 2-3 महीने मार्केट रिसर्च कर लेते हैं, फिर 2-3 महीने इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, छोटा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, थोड़ा और बड़ा सफल हो गया अब थोड़ा आगे लेके जाते हैं। इतना टाइम स्टार्टअप के पास नहीं, कौन सा मार्केट सर्वे, कौन सा एक्सपेरिमेंट, जो करना है फोड़ दो इसी क्वार्टर में, फिर गलतियां होती। दूसरी चीज जो आपको सीखनी चाहिए इस केस स्टडी से, कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर इतनी तो हम करते हैं, अरे सुनो मेरे दादा, इनकम टैक्स में कुछ ऊंच नीच कर रहे हो, GST की में कुछ ऊंच नीच कर रहे हो, ROC की फाइल में, किसी प्रकार के लाइसेंस में, किसी प्रकार की फीस में, आपको लग रहा है मैं नहीं दे रहा, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी नहीं दे रहा, कभी नोटिस आएगा तो CS आपको कह देंगे, CS आप संभाल लेंगे, नॉर्मली ऐसा हो जाता होगा। लेकिन भाई साहब कभी सरकार की नींद खुली और सरकार जगी तो पिछले 7-8 साल का खाया पिया एक दिन में निकाल लेती है, इतना आपके पास होता भी नहीं।
ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो, कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में आपको लग रहा है कि यार लाख रुपए बिना बात लग जाएंगे, वो लगा दो बिना बात, नहीं तो बिना बात वो लाख रुपए पेनल्टी में बदल के, इंटरेस्ट में बदल के, वो लाख रुपए 20 लाख घूम के भी आपके पास आ जाएंगे। और सेबी से हाथ जोड़ के निवेदन कि सेबी जी आप वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत समर्थित हूँ, लेकिन ये जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप आईपीओ लेने का है, देखो ये अपने घर घर में खेल रहे हैं कि इसका वैल्यूएशन इसका वैल्यूएशन, पर ये वैल्यूएशन उठा के जब ये आम इन्वेस्टर के माथे मारते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है बचाने की। तो ये जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप है इनके आईपीओ के रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दो, या मैं बोलता हूँ भैया आने ही मत दो ना यार, रूल बनाना, प्रॉफिट है तो आ, नहीं है तो मत आना भैया, जनता का पैसा लग रहा है, तो प्लीज आप इसमें सीरियस होकर रूल बनाइए। ये मेरा था और इस पूरे केस स्टडी पे मेरा जो ओपिनियन थी मैंने आपको दी। हाँ थोड़ी सी लेट आई है क्योंकि मैं थोड़ा जगह जगह व्यस्त था, ये कंटेंट तो कब से रेडी था, बस शूट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। सो और भी कोई नया टॉपिक होता रहेगा उसमें मैं मेरी ओपिनियन मेरी रिसर्च आपके सामने लाता रहूंगा। मुझे बताइए और कौन सा टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं अपन अगली वीडियो बनाए। तब तक के लिए धन्यवाद।